इस वक्त शुरुआत हम कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। अलीगढ़ की धनीपुर हवाई पट्टी पर एयर चार्टर कंपनी का प्राइवेट जेट जहाज बिजली के तारों में उलझकर जमीन पर आ गिरा। जहाज में लगी आग, सभी छह लोग लेकिन सभी छह लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। अलीगढ़ मेंटेनेंस के लिए ये जहाज आया था, लेकिन बिजली के तारों में उलझने की वजह से यह हादसा हो गया, जिसमें छह लोग जो सवार थे हालांकि वो सुरक्षित हैं, लेकिन ये हादसे की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कुमार अभिषेक जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। कुमार, क्या डिटेल्स मिल रही है, कैसे ये हादसा हुआ, सभी लोग सुरक्षित हैं? मीनाक्षी, जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक ये प्राइवेट जेट विमान था जिसमें छह लोग सवार थे, और जो धुन्नी एयरपोर्ट है वहां पर उतरने के क्रम में ये जेट उतर रहा था, जहां पर कि ये बिजली की तारों से उलझ गया और वहां पर एक तरीके से ये क्रैश हुआ है। हालांकि जिस तरीके से ये तारों पर लटका है और जिस तरीके से ये नीचे आया है, जो यात्री हैं उनकी जान फिलहाल बच गई है, और ये माना जा रहा है कि ये जो दुर्घटना है ये बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन ये जेट विमान इस वक्त इस हादसे का शिकार हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कि लोग जो इसमें सवार थे, छह लोग, वो सुरक्षित हैं। जी, और ये देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं आपको घटनास्थल से, जहां पर इस हादसे के बाद जो स्थिति थी उसको देखा जा सकता है। ये विमान क्षतिग्रस्त हुआ, अचानक एक्सीडेंट का शिकार, लेकिन जो लोग इसमें मौजूद है, जिस बात की जानकारी कुमार भी दे रहे हैं कि सभी लोग सुरक्षित हैं, ये एक राहत की बात यहाँ पर। कुमार, ये बताएं सबसे पहले किसने देखा, कैसे जानकारी मिली इस हादसे को लेकर? देखिए, हादसे की जानकारी स्थानीय लोगों ने दी है, और सबसे पहले जब वो एयरपट्टी के पास जो वो तार थे जहां वो उलझा है, जहां गिरा है, वहां के लोगों ने दी है। बहुत ज्यादा दूर नहीं है ये कंट्रोल रूम से, तो ये एक तरीके से बिल्कुल हवाई पट्टी के पास की घटना है। स्थानीय लोगों ने इसकी पहले जानकारी दी है, लेकिन एक बात जो सिर्फ सामने निकल करके आ रही है वो ये है कि लोग जो है वो इसमें से सुरक्षित हैं, हालांकि उतरने की कोशिश में ये तमाम चीजें हुई हैं। मीनाक्षी, चलिए कम से कम ये एक राहत की बात कही जाएगी कि जो लोग इसमें सवार थे वो सुरक्षित हैं, बच गए, ये खुशकिस्मती कही जाएगी। क्योंकि अगर इस तरह का हादसा हो तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिंदगी पर कितना बड़ा खतरा। बिजली के तारों में उलझने की वजह से ये प्राइवेट जेट क्रैश हुआ, हादसे का शिकार हुआ। अलीगढ़ में हवाई पट्टी के नज़दीक ही ये हादसा हुआ। कुमार अभिषेक हमें इस पर ज़्यादा जानकारी दे रहे थे। कुमार, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं अगली खबर का। फ्रांस में हुई G7 की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा ट्रंप कार्ड चला कि पाकिस्तान बौखला उठा। पाकिस्तान के रेल मंत्री जंग का ऐलान करने लगे, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री परमाणु बम की धमकी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के एक ही वार ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को एक बार फिर चित कर दिया। फ्रांस के बियारित्ज में हुए G7 सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति की ऐसी तस्वीरें सामने आईं तो पाकिस्तान के दिल पर बर्छियां चल गईं। लेकिन इसके बाद तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो कहा वो पाकिस्तान को बौखला देने वाला था। सुनिए। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलेटरल है, और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं, और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते। पाकिस्तान सोच रहा होगा कि ऐसा क्या जादू कर दिया नरेंद्र मोदी ने कि कल तक कश्मीर पर मध्यस्थता का राग अलापने वाले ट्रंप ने यू टर्न ले लिया। लेकिन ट्रंप का बयान पाकिस्तान को बौखला देने के लिए काफी था। बौखलाहट में घंटे भर के भीतर पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान हाजिर हुए परमाणु बम की धमकी के साथ। इमरान खान का पागलपन देखिए कि बार बार उनकी जुबान पर सिर्फ एक ही बात आ रही थी, परमाणु बम की धमकी वाली। मोदी और ट्रंप की दोस्ती वाली ये तस्वीरें पूरे पाकिस्तान पर वज्रबाण की तरह गिरी। तभी तो इमरान उनके मंत्री भी होशो हवास खो बैठे। सोचिए, ये पाकिस्तान के रेल मंत्री हैं, वो पाकिस्तान जिसे भारत ने एक दो बार नहीं चार बार धूल चटाई है। उसने जब जब आंखें तरेरी तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी।
उसके बावजूद पाकिस्तान के खैरख्वाहों की जुबान कैंची की तरह चल रही है। बहरहाल पाकिस्तान ने जिस तरह की बौखलाहट दिखाई है उससे एक बात समझ में आ रही है कि मोदी का ट्रंप कार्ड बहुत सटीक बैठा है। इस्लामाबाद से हमजा आमिर के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ पाकिस्तान कश्मीर का राव गलाप रहा है। खुद कल प्रधानमंत्री इमरान खान जब सामने आए तो उन्होंने एक ऐसा भाषण दिया जिसमें भारत के लिए तमाम धमकियां थी, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह कि कश्मीर को लेकर जो तमाम बातें पाकिस्तान कह रहा है उसके उलट किस तरह से भारत में प्रयास हो रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर का हालात का जायजा लेने के लिए आज केंद्र का एक डेलीगेशन श्रीनगर पहुंच रहा है। विकास के एजेंडे की फाइल थामे ये टीम सूबे की हालत और आगे की योजनाओं पर चर्चा करेगी। 2 दिन का ये दौरा होगा इस टीम का, लोगों से मुलाकात इस दौरान ही करेंगे। लेकिन विकास के नारों के बीच जम्मू कश्मीर में फिलहाल पहरा अभी जारी है। श्रीनगर में गाड़ियां तो चल रही हैं, कुछ फोन भी चल रहे हैं, लेकिन दुकानें अभी बंद हैं। आइए सीधे चलते हैं हमारे संवाददाता आशुतोष मिश्रा के पास जो लगातार श्रीनगर में मौजूद है। आशुतोष, आप पिछले काफी दिन से वहां पर मौजूद हैं और आपने हर हफ्ते वहां की बदलती हुई सूरत भी देखी है। अब जब केंद्र का एक डेलीगेशन वहां पहुंच रहा है तो बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर भी हैं इन हालात के मद्देनजर। किस तरह की तस्वीर बदली है और क्या हासिल होगा इस डेलीगेशन को, क्या दिख रहा है? मीनाक्षी, सबसे पहले दर्शकों को ये जानना जरूरी है कि कश्मीर में पिछले दिनों से क्या बदला है। इन 23 दिनों में हालात तनाव से लेकर के कुछ कुछ इलाकों में हम देख रहे हैं कि जिंदगी पटरी पर लौट रही है। दिन में मैं जहां खड़ा हूं, मेरे पीछे ये जो दुकानों के शटर डाउन हैं, ये अपने आप में सबूत हैं इस बात के कि 10:15 बजे के बाद भी अगर कश्मीर में दुकानें नहीं खुल रही हैं तो जाहिर है हालात सामान्य नहीं हैं। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि सड़कों पर चहल पहल शुरू हो चुकी है, 5-6 बजे के बाद दुकानें श्रीनगर में खुलने लगती हैं, सरकारी दफ्तर खुल चुके हैं, जो लैंडलाइन फोन है सरकार ने कहा था कि शुरू कर देंगे 70-75%। मैं आपको ये कह सकता हूं कि उन वादों पर अभी तक अमल नहीं हुआ है। लैंडलाइन जो फोन है वो कुछ इक्का दुक्का इलाकों में ही शुरू हुए हैं। ये है वो तस्वीर जो कश्मीर में फिलहाल धीरे धीरे बदल रही है। अब सबसे बड़ी चुनौती है इस डेलीगेशन को लेकर के, क्योंकि एक उम्मीद थी और इंतजार था कि आखिर दिल्ली से इस बदली तस्वीर के बाद, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद, कश्मीर से बातचीत करने के लिए कौन आएगा। तो कम से कम एक पहल है कि अल्पसंख्यक मंत्रालय का ये डेलीगेशन आएगा, दोपहर यहां पहुंचेगा, गवर्नर के साथ मुलाकात होगी और कोशिश ये भी होगी कि वो अलग अलग इलाकों में जाए, विकास का जायजा ले, कहां पर कौन से प्रोजेक्ट लंबित पड़े, और सबसे ज्यादा बड़ा जो अहम मुद्दा है वो लोगों के साथ बातचीत करना कि उन्हें इन बुनियादी तकलीफों से बाहर कैसे निकाला जाए और जिंदगी को फिर से पटरी पर कैसे लाया जाए। मीनाक्षी, बहुत इंपॉर्टेंट आपने ये पॉइंट रखा आशुतोष, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। लेकिन दोपहर तक ही डेलीगेशन वहां पहुंचेगा और उस पर भी आपको तमाम अपडेट्स हम देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों के दौरे से वापस लौट आए हैं, लेकिन अपने दोस्त अरुण जेटली को खोकर दिल गम से भरा हुआ है। मोदी आज 11 बजे जेटली के परिवार से मुलाकात करेंगे। जेटली का जब निधन हुआ तो प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे और जेटली के परिवार ने उनसे दौरे को जारी रखने की अपील की थी। प्रधानमंत्री ने बहरीन में भारी दिल से कहा था कि मैंने अपने दोस्त अरुण को खो दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। पिछले 5 साल में मोदी ने विदेश नीति को जिस तरह से आगे बढ़ाया उससे भारत महाशक्तियों की आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। फ्रांस के बियारिट्ज शहर में भी ऐसा ही हुआ। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप कश्मीर पर भारत की बोली बोलने लगे। पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फिर गया। आखिर मोदी अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसी महाशक्तियों को कैसे साधते हैं और आखिर दुनिया भर में क्यों कहा जा रहा है कि मोदी जैसा कोई नहीं? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शख्सियत का ही कमाल है कि वो जहां जाते हैं माहौल को अपने हिसाब से ढाल लेते हैं, चाहे मंच कोई भी हो। पीएम मोदी सामने वाले को निशब्द कर देते हैं। फ्रांस के बियारिट शहर में भी यही हुआ। ये मोदी की कूटनीति का कमाल है, उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ केमिस्ट्री का कमाल है। ये बढ़ते चढ़ते भारत का दम है जो अमेरिका जैसा महाशक्ति भी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप मोदी की हां में हां मिलाए जा रहे हैं। मोदी के साथ कुछ मिनटों की मुलाकात में ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अपना कश्मीर मामले में मध्यस्थता का इरादा बदल दिया। उन्हें कश्मीर मसले पर भारत की विदेश नीति पर हर पक्ष समझ में आ गया। ये कमाल हुआ पीएम मोदी की शख्सियत की वजह से। Well, we spoke last night about Kashmir, and the Prime Minister really feels he has it under control. I know they speak with Pakistan, and I'm sure that they will be able to do something that will be.
कूटनीति में पीएम मोदी की समझ और पकड़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने कितनी सफाई से अमेरिका जैसे मुल्क को साथ लिया। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलेटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। बगैर राष्ट्रपति ट्रंप को एहसास दिलाए जता दिया कि कश्मीर में किसी तीसरे को कष्ट करने की जरूरत नहीं है और ट्रंप भी देखते रह गए। बियारिट्ज़ में ट्रंप के साथ हंसी मजाक का दौर बता रहा है कि मोदी कैसे रिश्तों को सहज बनाते हैं। पीएम मोदी रिश्तों को सहेजना और उसे राष्ट्रहित में इस्तेमाल करना अच्छी तरह से जानते हैं। सामने वाले के दिमाग को पढ़ने में भी मोदी का कोई जवाब नहीं। इसीलिए G7 के मंच का भले ही भारत सदस्य नहीं हो, लेकिन मोदी के चुंबकीय व्यक्तित्व की वजह से ही हिंदुस्तान की दमदार मौजूदगी महाशक्तियों ने महसूस की। क्या फ्रांस, क्या ब्रिटेन, क्या जर्मनी, क्या अमेरिका, क्या इटली, क्या जापान, G7 मोदीमय हो गया। दरअसल पीएम मोदी ने पिछले 5 साल में हिंदुस्तान को दुनिया के नक्शे पर एक नई पहचान दी है। भारत की विदेश नीति को नई रफ्तार और राह मिली, जिससे आज के तेजी से बढ़ते चढ़ते भारत की आवाज दुनिया की हर महाशक्ति गौर से सुन रही है। एक ऐसा नया भारत जिसकी समृद्ध सभ्यता और संस्कृति, उस पर पूरे विश्व को गर्व हो और जो 21वीं सदी की आधुनिकता को भी लीड करे, ऐसा नया भारत जिसका फोकस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर भी हो और जो ईज ऑफ लिविंग की भी सुनिश्चित करने के लिए हर कदम उठाए। राष्ट्रपति ट्रंप के तौर तरीकों को लेकर खुद अमेरिकी मीडिया सवाल उठाता रहा है, उनके झूठ की पोल पट्टी खोलता रहा है, लेकिन मोदी जब भी ट्रंप से मिले, दोनों के बीच दोस्ताना व्यवहार नजर आया। औपचारिकता रत्ती भर भी नहीं दिखी, चाहे फ्रांस का बियारिट्ज़ हो या जापान का ओसाका। G20 सम्मेलन के दौरान ट्रंप और मोदी जब मिले थे, तब भी दुनिया ने देखा कि दोनों एक दूसरे के साथ कितने सहज हैं। 13 नवंबर 2017 को आसियान सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई थी। जून 2017 में ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मोदी की शानदार मेहमान नवाजी की थी। मुझे विश्वास है कि मेरा न्यू इंडिया का विजन तथा राष्ट्रपति ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अमेरिका के विजन में निहित कन्वर्जेंस हमारे सहयोग के नए आयाम पैदा करेगी। मेरा यह स्पष्ट मत है कि एक मजबूत और सफल अमेरिका में ही भारत का हित है, इसी तरह भारत का विकास और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती भारत की भूमिका अमेरिका के हित में भी है। मुलाकात दर मुलाकात ट्रंप से मोदी का दोस्ताना मजबूत होता गया और जब बियारिट्ज़ में दोनों दोस्त मिले तो मोदी ने कुछ मिनटों में ही कश्मीर के मसले पर ट्रंप की आंखों पर बंधी पट्टी हटा दी। ट्रंप कश्मीर पर भारत की बोली बोलने लगे और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान हैरान परेशान बदहवास मोदी के कूटनीतिक दाव को देखते रह गए। तो हिंदुस्तान में सबकी जुबान पर यही है कि मोदी जैसा कोई नहीं। आज तक ब्यूरो। राष्ट्रपति ट्रंप से पहले बराक ओबामा से भी मोदी के बेहतर ताल्लुकात थे। दुनिया के गंभीर मसलों पर बराक ओबामा से मोदी की अक्सर चर्चा होती है। दोनों के बीच कंफर्ट लेवल का तो कहना ही क्या। जापान के शिंजो आबे हो या फिर चीन के शी जिनपिंग, मोदी ने सबको अपने खास अंदाज से साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ हैदराबाद हाउस के लॉन में चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। चाहे खुद दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री ने दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के राष्ट्रपति की ओर बढ़ाई।
ये भारत और अमेरिका के बीच रिश्तों की नई शुरुआत थी। ये तस्वीर साल 2015 की है। भारत और अमेरिका के रिश्तों में मिठास उसी तरह घुलती गई जैसे चाय में चीनी। बराक ओबामा गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। पीएम मोदी के साथ राजपथ पर भारत की आन बान और शान देखी। केमिस्ट्री ऐसी बनी कि मोदी के मन की बात में भी ओबामा शामिल हुए। मोदी जब भी अमेरिका गए उनका शानदार स्वागत हुआ। चाहे मंच कोई भी रहा, अमेरिका ने भारत की बात ध्यान से सुनी। ये सब हुआ मोदी की बुलंद और खुली सोच की वजह से। मोदी ने अपने निजी रिश्तों की वजह से कभी रत्ती भर भी मनभेद नहीं आने दिया। अमेरिकन गवर्नमेंट का, ओबामा का हृदय से बहुत सा आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भारत की एक महान संपदा को आज भारत को वापस लौटाया है। पीएम मोदी का जापान से रिश्तों को मजबूत बनाने पर पूरा जोर रहा। मोदी जब भी जापान गए जमकर स्वागत हुआ। टोक्यो में तो एक कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जापान के परंपरागत ड्रम को बजाकर सबको दंग कर दिया। औपचारिक रिश्तों को अनौपचारिक में बदलना कोई मोदी से सीखे। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ उनकी केमिस्ट्री ऐसी बनी कि कोई भेद नहीं रह गया। दोस्ती की गांठ इतनी मजबूत हुई कि मोदी शिंजो आबे को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी ले गए। काशी के तट पर हिंदुस्तान की आस्था के रंग से रूबरू करवाया। तो हिंदुस्तान को बुलेट ट्रेन की रफ्तार देने के लिए शिंजो आबे को अहमदाबाद ले गए। भारत जापान की मदद से बुलेट ट्रेन दौड़ाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहा है। ये पीएम मोदी का विश्वास ही है कि उन्होंने बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के भूमि पूजन के मौके पर उम्मीद जताई कि चुनाव बाद भी मिलेंगे। बुलेट ट्रेन परियोजना एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो तेज गति, तेज प्रगति और उसके साथ तेज टेक्नोलॉजी के माध्यम से तेज परिणाम भी लाने वाला है, जिसमें सुविधा भी है, सुरक्षा भी है, जो रोजगार भी लाएगा और वो रफ्तार भी लाएगा। तो मोदी ने पड़ोसी चीन को भी साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को अहमदाबाद ले गए, साबरमती रिवर फ्रंट पर झूला झुलाया। तो मोदी ने कूटनीति की बात की। डोकलाम में चीनी फौज के मंसूबों को नाकाम कर पीएम मोदी ने साफ साफ संदेश दे दिया कि चीन आज के भारत को 1962 का भारत समझने की गलती ना करे। आज भारत दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनों को उनकी भाषा में मुंह तोड़ जवाब देने की कुव्वत रखता है। ये मोदी की ठोस कूटनीति, बुलंद इरादों और गर्मजोशी से दूसरों से दोस्ती गांठने के हुनर का ही कमाल है कि दुनिया भर में मोदी मोदी हो रहा है। खुद अमेरिका के विदेश मंत्री भी कह चुके हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। As Prime Minister Modi said in his latest campaign, he said, "Modi high to Mumkin high. Modi makes it possible." वैसे तो रूस से भारत की दोस्ती पुरानी है, भारत का बड़ा रणनीतिक साझेदार रहा है। ऐसे में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भी मोदी की कई राउंड की मुलाकात हुई। रूस के साथ हथियारों की खरीद के बड़े बड़े करार हुए। इसमें मोदी और पुतिन की शानदार केमिस्ट्री ने बहुत भूमिका निभाई। दोनों के दोस्ताना की तस्वीरें कैमरे में कई बार कैद हो चुकी है। मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि कूटनीतिक बाधाओं को रिश्तों की चाशनी में लपेटकर कैसे पार किया जाता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनय में कमजोर कड़ियों को जोड़ने के लिए मोदी औपचारिक रिश्तों को अनौपचारिक में बदल देते हैं, क्योंकि उनके लिए हिंदुस्तान के 1 अरब 30 करोड़ लोगों का हित सबसे ऊपर है। आज तक ब्यूरो। पीएम मोदी दोस्तों के दोस्त हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे खुराफाती पड़ोसियों का भी मोदी के पास इलाज है। आतंकवादियों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान का मोदी ने ऐसा इलाज किया कि इमरान खान परेशान है। बौखलाहट में इमरान खान कश्मीर पर किसी भी हद तक जाने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को यह भी मालूम है कि मोदी के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। लाल किले की प्राचीर से भले ही पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन पूरी दुनिया समझ गई कि मोदी कहां इशारा कर रहे हैं। मोदी की कूटनीति का ही कमाल है
कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। इस्लामाबाद के साथ दुनिया का कोई मुल्क खड़ा नहीं है। वाराणसी में आज तक से बातचीत में पीएम मोदी ने अपनी पाकिस्तान नीति का डिकोड किया था। नॉन टेररिस्टों को क्यों संभाल के बैठा है पाकिस्तान? ये जो दबाव पाकिस्तान में बढ़ा है वो इन दो घटनाओं से बढ़ा है, क्योंकि दुनिया में, दूसरा, मैं कितना ही भाषण करता हूं दुनिया के गले नहीं उतारता। जब मैंने वहां जाकर आतंकवादियों को मारा तो उनकी मुसीबत ये है कि न वो बोल भी पाते हैं न नकार भी सकते हैं। अपनी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी को बताने के लिए कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। दूसरी तरफ अगर पता चलता है कि हुआ है तो मतलब कि आतंकवाद था, मतलब टेररिस्ट कैंप थे, मतलब कि वहां के लोग थे। पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंकियों ने जब उरी में आतंकी कैंप पर हमला किया तो भारतीय फौज ने पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया। पीएम मोदी ने सेना को खुली छूट दी। जब पुलवामा में सीआरपीएफ काफिले पर आत्मघाती हमला किया गया तो भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया। बालाकोट में मौलाना मसूद अजहर की आतंकी ब्रिगेड का सर्वनाश कर दिया। ये वही मोदी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने के लिए शुरुआती दौर में हर मुमकिन कोशिश की, यहाँ तक कि पाकिस्तान के तत्कालीन पीएम नवाज शरीफ के घर तक गए, उनकी अम्मा के पैर छुए, शॉल भी। लेकिन जब आतंकवाद के मसले पर पाकिस्तान नहीं सुधरा तो पीएम मोदी ने नजरें कड़ी कर ली। दुनिया के हर मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करना शुरू कर दिया। आज पाकिस्तान दाने दाने को मजबूर हो चुका है, भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहा है, लेकिन इमरान खान का मुल्क खुद बिखरने की कगार पर खड़ा है। मतलब दुश्मनों के लिए पीएम मोदी से बचना नामुमकिन जैसा है। इसका अब अच्छी तरह से अंदाजा पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को हो गया होगा। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं अरुण जेटली के घर से। देश के गृह मंत्री अमित शाह उनके घर पहुंचे हैं परिवार से मुलाकात करने के लिए, शोकाकुल परिवार से उनका गम उनका दुख बांटने के लिए। और ये मुलाकात की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं परिवार से बातचीत करते हुए। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुँचेंगे, परिवार से मुलाकात करेंगे। जब अरुण जेटली का निधन हुआ तमाम प्रतिक्रियाएं, लोग दुख जाहिर कर रहे थे, उस समय अमित शाह ने ट्वीट किया और उसमें उन्होंने लिखा कि ये मेरी निजी हानि है, मैंने एक अपने को खो दिया। और अभी पहुंचे हैं वो अरुण जेटली के परिवार से मुलाकात करने के लिए भी। थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पहुँचेंगे और परिवार से मुलाकात करेंगे। तीन देशों की यात्रा पर थे प्रधानमंत्री और बीती रात ही विदेश दौरे से जब लौटे तो उनके कार्यक्रम में आज प्रमुखता से अरुण जेटली के घर पर जाना था। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहरीन में भी मौजूद थे तो उन्होंने वहां पर भारतीय समुदाय से बात करते हुए ये कहा कि आज मैंने अपने दोस्त को खो दिया है। तो प्रधानमंत्री से पहले गृहमंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं परिवार से दुख साझा करते हुए। यहाँ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मोदी सरकार में अरुण जेटली की जगह जो थी वो किसी परिचय की मोहताज नहीं। जो बड़ी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर थी, संकट मोचक के तौर पर उन्हें देखा जाता रहा, बड़े से बड़े मुद्दों को लेकर, बड़ी से बड़ी पॉलिसी के अनाउंसमेंट तक के मामलों में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बीते 10 दिन में जिस तरह से अपने दो बड़े दिग्गज नेताओं को खोया है, पहले सुषमा स्वराज फिर अरुण जेटली, और दोनों ही नेताओं की कोर टीम में एक प्रमुख जगह थी। हालांकि पिछले काफी समय से अरुण जेटली बीमार थे, अस्पताल में भर्ती थे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर उन्हें रखा गया था और आखिरकार इस दुनिया को अलविदा कह गए। और अभी गृहमंत्री वहां पर मौजूद हैं। 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पहुंचेंगे, उससे जुड़ी तस्वीरें भी आपको देंगे, जानकारी भी देंगे। और आइए एक बार फिर आपको तस्वीरें दिखाते हैं अरुण जेटली के घर से, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह पहुंचे हैं परिवार से मुलाकात करने, उनका गम बांटने। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। जिस समय अरुण जेटली का निधन हुआ प्रधानमंत्री यहाँ मौजूद नहीं थे, विदेश दौरे पर थे, और जैसे ही बीती रात विदेश से लौटे तो आज के दिन में सबसे पहले परिवार से मिलने का कार्यक्रम उन्होंने रखा है। 11 बजे समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री वहाँ पहुँचेंगे, लेकिन उससे पहले गृहमंत्री भी परिवार से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं।
बीमारी से एक लंबी जंग लड़ते हुए आखिरकार अरुण जेटली इस दुनिया को अलविदा कह गए, और उनके जाने के बाद ये दो अहम मुलाकातें इस वक्त, क्योंकि प्रधानमंत्री उस समय यहाँ मौजूद नहीं थे जब उनका निधन हुआ। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।